कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, यानी इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो बेटा इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में मुझे उम्मीद है किताब सभी ने ले ली होगी तुम्हारे ने। 7.4 जो दिया है आपका, मतलब 7.4 एक्सरसाइज नहीं, 7.3 जैसी खत्म होती है उसके बाद लिखा है कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन। तो बेटा इसके सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रल ऑफ 1/(x²-a²) इज इक्वल टू 1/2a log x-a/(x+a) और प्लस आ गया आपके पास c। अब मेन बात ये आती है बेटा, एक तो इन फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लें, ये 6 फॉर्मूले हैं। तो चलो किताब में तुम्हें दिखा ही दो मैं क्या लिखूं उनको। तो दूसरा फॉर्मूला ये है आपका dx(a²-x²)/2a log a+(x)/a-x+c। तीसरा है dx(x²+a²)/(a)tan−x/a+c। चौथा है dx(x²-a²) का रूट। अब इन तीनों पे रूट आएगा अलग अलग, तो log x+√(x²-a²)। और पांचवा फॉर्मूला जो है आपके पास वो ये है dx(√(a²-x²)(sin−x)/a+c। छठा है dx(√(x²+a²) log x+√(x²+a²+c। बेटा एक तो ये 6 जो फॉर्मूला, इनका मैं तुम्हें प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन इनका प्रूफ बताने से पहले मुझे अगली एक्सरसाइज तुम्हें पढ़ानी पड़ेगी। तो इनके प्रूफ को आप रोक के रखें, याद रखें, ऐसा नहीं कभी इसको भूल जाए आप लोग। तो इनका प्रूफ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन एक एक्सरसाइज है आगे, वो आएगी पार्शल फ्रैक्शन। पार्शल फ्रैक्शन को जब आप पढ़ लोगे फिर मैं इन 6 के 6 के प्रूफ भी तुम्हें बताऊंगा। अभी आप क्या चीज ध्यान रखें कि बेटा 1/(x²-a²)=1/2a log x−a/(x+a+c) इट इज वेरिएबल। ये क्या है आपके पास? वेरिएबल। और बेटा ये जो है आपके पास, ये क्या है? कांस्टेंट। तो ध्यान दें, जब भी आप इस फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे तो बेटा वेरिएबल जो रहेगा हमारा x, इसको ध्यान दें आप, अगर यहाँ 2x² भी आ गया तब भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ध्यान दें कि वेरिएबल में हमें कुछ नहीं रखना। फॉर्मूले में अगर हमारा 2x² भी आ गया तो 2x को आपको t मानना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको आप कहां ट्रांसफर करते? कांस्टेंट। ये ध्यान रहे विशेष इस चीज का कि बेटा वेरिएबल के साथ हमारा x है तो x ही रहेगा, t है तो t ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप x² की जगह √2x² लिख दे और फिर इसका इंटीग्रल कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा ध्यान दे इस चीज पे सभी बच्चे कि आप लोग वेरिएबल को वेरिएबल ही रहने देंगे और कांस्टेंट को आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट को आप बढ़ा लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट में आप जो भी ऊंच नीचे उसको आप कांस्टेंट के साथ पूरा कर दें। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि होंगे कैसे, वेरी इजी क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मन लगेगा इन क्वेश्चन को करने में। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। बेटा ये आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? एक्सरसाइज है आपकी 7.4 i=√(3x²)/(x⁶+1)(dx)। बेटा एक बात का विशेष ध्यान रहे, जब भी नए कोई फॉर्मूले आएंगे पुरानों को मत भूल जाना, पुराने फॉर्मूले एज इट इज चलेंगे। पुराने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था? आप ऐसी चीज को टी मान लो जिसका अवकलन क्वेश्चन में रखा हुआ हो। तो बेटा इसको आपने लिख दिया x³√(2+1) और इंटू में लिख दिया आपने dx। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि अगर आप इस x³ को टी मानते हो तो बेटा x³ का अवकलन ऊपर रखा हुआ है 3x², इजिली हो जाएगा। तो आपने लेट किया, माना x³=t, उसके बाद आपने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन का मतलब 3x² और इधर आया dt/dx। तो बेटा हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो कंप्लीट मान निकाल दिया 3x²dx/dt। और अभी तक तो इसमें सारी पुरानी बातें हो रही बेटा। तो यहाँ आया आपके पास i=integral और ऊपर आप लिख देंगे कि मान रखने पर। तो जब आप मान रखेंगे तो बेटा यहाँ आ गया आपके पास 3x²dx, इस पूरे के बदले dt आ गया और पूरे के अपॉन में आ गया t² + 1 का स्क्वायर।
तो यहाँ देखे आपका फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/x² + a² अगर था फॉर्मूले में तो क्या था आपके पास, 1/a tan इनवर्स x / a। देख लो चाहे आप, अगर आप पीछे फॉर्मूला देखते हो किताब रख लो आप सब अपने पास, dx/x² + a². अब आप कहोगे x नहीं है यहाँ तो t है। बेटा मैंने ये नहीं कहा तुम्हें कि x के बदले t होगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला काम तब नहीं करेगा अगर यहाँ 2t² होता। यानी वेरिएबल जो है, वेरिएबल अकेला है उसका स्क्वायर है, एक्स्ट्रा चीज जो है उसको आप कॉमन लें या कॉन्स्टेंट में शिफ्ट करें या कुछ भी करें, मेन चीज है वेरिएबल पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ आप देख रहे हो कि फॉर्मूला कितना है, 1/a, तो 1/1 को तो छोड़ ही दो आप यहाँ से, तो ये आ गया टेन इनवर्स टी और प्लस आ गया आपके पास सी। अब आप लिखें यहाँ टी का मान रखने पर तो इजीली हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। उसके बाद बेटा लगे हाथ आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है i = √1 + 4x² dx। देखो बेटा जो बात मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था ना वो अब आ गई, यहाँ आप देख रहे 1/1 + 4x² तो अगर आप फॉर्मूला देखें 1/√a² भाई 1 को तो आप 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, प्लस x² हो रहा है इजिली, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है 4। अब तुम्हारे में से कुछ महापुरुष ये भी कह रहे होंगे इसको 2x² कर दें फिर फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही, लेकिन बेटा 2x को आपको t मानना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट के साथ ना 2 चलेगा ना 3 चलेगा ना 4 चलेगा। या तो आप 2x मान के t माने एक शर्त भाई, या तो आप इस 4x को आप लिख दें कि 2x पूरे का होल स्क्वायर और इस 2x को आप अगली लाइन में t माने, एक तरीका। दूसरा तरीका 4 कॉन्स्टेंट को आप बाहर कॉमन ले लें, अगर आप 4 कॉन्स्टेंट को बाहर कॉमन ले लें तो ये भी तरीका बुरा नहीं है। तो दोनों ही तरीकों से मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि 1/√ तो बेटा जब आपने 4 यहां से कॉमन लिया तो 4 जब कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया आपके पास 1/4 और प्लस आ गया t² और इंटू आ गया आपके पास dt। मुझे उम्मीद है ये बात सभी की समझ में आई होगी। जब आपने 4 बाहर लिया तो 1/4 भाई कॉमन लेने वाला भाग देना ही तो होता है। अब इस 4 को पूरे के बाहर लिखो आप, तो 4 को जब पूरे के बाहर आपने लिखा रूट से बाहर आया तो 2 हो गया बेटा, तो 1/2 इंटीग्रल के बाहर आ गया, 1/2 इंटीग्रल 1/ और रूट में रह गया आपके पास a² यानी 1/4 को आपने क्या लिखा 1/2 का स्क्वायर प्लस t² t क्यों हो गया, अब तो x है ये, t क्यों है भाई x है, और ये आया आपके पास x² और गुणा में आ गया dx। बेटा बताओ किसी की समझ में अगर नहीं आया, 1/2 पूरे के बाहर 1/√ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² 1/2 का एका काम कर रहा है आपका a का काम, तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/√a² प्लस x². तो बेटा किताब में देखो आप रूट में a² प्लस x² कितना था आपका, या x² प्लस a² बात तो एक ही है प्लस में, ये था लोग x + √x² + a² तो फॉर्मूला आप लगा देंगे यहाँ से, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास = log और ये आया x + √x² + a² यानी x² + a² का मतलब 1/2 का स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास सी, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो 1/2 को थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा ठीक कर सकते हो, अदरवाइज ये इसका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है बेटा तुम लोगों की समझ में कुछ बात आई होगी। अच्छा इसी को अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहें तो वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों की अगर समझ में नहीं आया हो तो। सवाल था हमारा i = √ और ये था आपका 1 का स्क्वायर + 4x² तो बेटा इसको हमने क्या लिखा 2x² और इंटू में लिख दिया आपने dx। क्लियर होगी बात यहाँ। उसके बाद आपको क्या बताया था मैंने कि बेटा कॉन्स्टेंट के साथ 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं चलेगा, सॉरी वेरिएबल के साथ। तो आपने यहाँ क्या करना है कि माना 2x = t, तो जब आप 2x को t मानोगे और यहाँ लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे 2x का 1 और यहाँ आया dt/dx, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की तो dx = ये आ गया आपके पास dt/2। अब आप लिखेंगे कि मान रखने पर, तो जब बच्चों आप मान रखेंगे तो यहाँ आया i = √1 का स्क्वायर का मतलब a² प्लस 2x के बदले t आ गया, तो ये हो गया बेटा t का स्क्वायर और यहाँ आ गया आपके पास dt/2। इट्स ओके। अब dt/2 का क्या मतलब हुआ कि 1/2 तो पूरे के बाहर ही आ गया और यहाँ फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया आपने 1/a² + x² और रूट, तो रूट में क्या होता है आपके पास log
मोड ऑफ एक्स यानी टी प्लस रूट एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास सी। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। अब बेटा आप टी का मान रख दे, थोड़ा एडजस्ट कर ले आप इसको, जैसे भी आप कर सकते हैं और इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर तीन। तो क्वेश्चन नंबर तीन में इसने क्या बोल दिया भाई, बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितने टिपिकल थे वो हो चुके हैं, अभी इजी इजी क्वेश्चन है। तो ये आया आपके पास आई इज इक्वल टू, तीसरे में आया वन अपॉन और रूट में आ गया आपके पास टू माइनस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास वन। देख लो भाई एक बार यही है, तो यहां आप देख रहे हैं कि अगर इसे पूरे के बदले टी आ जाए तो वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहां आप मान लें, इनकी मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें कि माना टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। मुझे उम्मीद है बड़े इजी तरीके से आपका हो जाएगा। बट ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूं तुम्हें चौथे की भी। पच्चीस एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे पांच एक्स का होल स्क्वायर और पांच एक्स को क्या मान लेंगे टी। बेटा पांचवा भी थोड़ा इजी मुझे दिखाई दे रहा है आपका, छठा भी थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, सातवा देखो आप क्वेश्चन। तो यहाँ आया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन। बेटा सेवन में इसने दिया है कि आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू में आ गया आपके पास डी एक्स। तो बेटा यहाँ आप दिमाग लगाए थोड़ा सा कि नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को वन का स्क्वायर लिख ही दिया, फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन ऊपर तो कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर एक्स भी तो आ गया, इसने भी तो गड़बड़ कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, सेपरेट सेपरेट इसको डिवाइड कर लिया। तो ये आया आपके पास एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर और माइनस आ गया वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन और रूट में आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस आ गया आपके पास वन का स्क्वायर और पूरे का ब्रैकेट लगाया हमने और पूरे के बाहर लिखा डी एक्स। बेटा ध्यान दे, एक्स माइनस वन के हमने सेपरेट सेपरेट यानी अलग अलग बटे कर दिए। तो जब अलग अलग बटे करा तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो जब हम अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और गुणा में आ गया डी एक्स और यहाँ आया आपके पास माइनस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेटा मुझे उम्मीद है इस तरफ से तो कोई समस्या नहीं आपको, तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख लेंगे जो मैंने छह फॉर्मूला आज लिखवाए तुम्हें। और इधर वाले में आप क्या देख पा रहे, इधर वाले में आप देख पा रहे कि ये पहले जैसा क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके। पहले क्वेश्चन क्या कहते थे कि आप टी मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर आप टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, टू तो कॉन्स्टेंट है लेकिन एक्स अवेलेबल है ऊपर, और फिर कितना बनेगा नीचे रूट टी, रूट टी को आप लिखेंगे टी की पावर माइनस एक बटा दो और इजिली इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो बेटा आप लोग कोशिश करें, ये जो हिंट में दे रहा हूं इन्हीं को आप क्वेश्चन समझें, भाई करने तो तुम ही है सारे, नहीं होगा मेरे से प्रॉब्लम पूछे आप। बेटा इसको आप ट्राई करें। तो सातवें के बाद मुझे आठवां भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, चलो आठवें की मैं थोड़ी सी हिंट तुम्हें देता हूं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8 7.4 का। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, आठवें में आया एक्स स्क्वायर और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास एक्स की पावर सिक्स और प्लस ए की पावर सिक्स और गुणा में आ गया आपके पास डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस ए की, तो बेटा रूट भी है यहाँ, ये लगा दिया हमने रूट एक्स की पावर सिक्स प्लस ए की पावर सिक्स, ठीक है। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे इसकी जितनी भी पावर हो इसकी तरफ से कोई समस्या ना मानो आप लोग, मेन समस्या है एक्स की पावर सिक्स की। तो इसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया एक्स स्क्वायर और पूरे के अपॉन में आया आपके पास एक्स क्यूब पूरे का होल स्क्वायर और ए की पावर सिक्स को जब देखेंगे जरूरत पड़ेगी तब का तभी करेंगे, ए की पावर सिक्स ही हमने इसको रहने दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब को आपको टी मानना पड़ेगा ताकि वेरिएबल आपका ठीक हो सके। दूसरा कारण, एक्स क्यूब का अवकलन थ्री एक्स स्क्वायर, तो तीन तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, तो दोनों बातें फिट बैठ रही। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने लिख दिया माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी और यहाँ लिखा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना आ गया थ्री एक्स स्क्वायर
और इधर आ गया आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और बराबर आ गया आपके पास डी टी अपॉन थ्री। अब आप इसका लिखते हैं ऐसे मान रखने पर, तो जब हमने मान रखा तो ये आया आई बराबर इंटीग्रल ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स पूरे का मान आ गया आपके पास डी टी अपॉन थ्री और पूरे के अपॉन में आ गया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर प्लस ए की सिक्स, ए की पावर सिक्स का मतलब ए क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो आई बराबर मुझे लग रहा है वन अपॉन थ्री तो कॉन्स्टेंट पूरे के ही बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन रूट टी का स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का स्क्वायर और इंटू आ गया आपके पास टी टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग, नहीं वन अपॉन टू ए नहीं है शायद, भाई फॉर्मूला में देख लेना सीधा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा कर दोगे अप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी किसी को कहीं भी, और फिर टी का मान आप वापस रख देंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा आपका, आज से मेरा मतलब कितनी तारीख होगी आज 11 जुलाई 2020, तो आज का जो होमवर्क रहेगा 7.4 के आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन, कहाँ तक के ट्राई करेंगे मुझे लग रहा है 9 तक के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे 7.4। वह उदाहरण आठ तो केवल इतना ही काम मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तो बेटा इस काम को आप सभी बच्चे करें, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूछें।